नमस्कार दोस्तों, हमारे अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, कल MP हाई कोर्ट ने MPPSC 2019 प्री का और मेंस का रिजल्ट जो है फिर से जारी करने के लिए बोला है MPPSC को। तो दोस्तों, जो रिजल्ट जारी होंगे उसमें जो कट ऑफ है प्री के, वो इस बार जो है कितने क्या हो सकते हैं, यानी कि कितना क्या मार्क्स जो है रिजर्व कैटेगरी का कट ऑफ कम हो सकता है और जनरल कैटेगरी का कट ऑफ जो है ज़्यादा हो सकता है, वही आपको इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ फ्रेंड वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। दोस्तों, जो जो रिजल्ट रद्द हुआ है वो इस कारण रद्द हुआ है कि फरवरी 2020 में MP सरकार ने एक नियम निकाला था जिसके अंतर्गत दोस्तों रिजर्व कैटेगरी वाला स्टूडेंट यदि अनरिजर्व कैटेगरी के बराबर या ज़्यादा भी नंबर लाता है तो भी उसको अनरिजर्व कैटेगरी की सीट नहीं मिलेगी। तो इस कारण से उस नियम को MP हाई कोर्ट ने जो है रद्द कर दिया है और जो MPPSC को 2015 के जो नियम थे उसके अनुसार जो है रिजल्ट जारी करने के लिए बोला है। तो दोस्तों, इससे होगा क्या कि जो रिजर्व कैटेगरी वाले स्टूडेंट हैं वो स्टूडेंटों की संख्या जो है और क्वालिफाई होने की संख्या जो है बढ़ेगी और जो अनरिजर्व कैटेगरी में जो स्टूडेंट हैं उनकी संख्या जो है कम होने की संभावना है। तो इस कारण से क्या है दोस्तों, अनरिजर्व कैटेगरी का कट ऑफ जो है बढ़ने की संभावना है और रिजर्व कैटेगरी का कट ऑफ दोस्तों कम होने की संभावना है। तो दोस्तों देखिए कितना क्या कट ऑफ रह सकता है, देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, आप ध्यान से सुनिए। दोस्तों, यदि आप जनरल कैटेगरी में हैं तो आपका जो कट ऑफ है 2 से 4 मार्क्स यानी कि 1 से 2 क्वेश्चन जो है बढ़ सकता है। आपका जो भी पहले कट ऑफ था उससे यदि आपके 1 से 2 क्वेश्चन ज़्यादा थे, जैसे 2 नंबर या 4 नंबर ज़्यादा थे, तो आप जो है सेफ जोन में रहेंगे। लेकिन यदि आप फिक्स कट ऑफ पे थे तो आपको जो है काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। वहीं दोस्तों, यदि आप रिजर्व कैटेगरी में हो, ये तो मैंने रिजर्व कैटेगरी का बता दिया, वहीं आप यदि रिजर्व कैटेगरी में हो और आपके मार्क्स दोस्तों जो कट ऑफ है उससे 4 नंबर या 2 नंबर कम थे तो आप जो है इस बार क्वालिफाई हो सकते हो, क्योंकि आपका कट ऑफ दोस्तों कम होगा। क्योंकि जो स्टूडेंट आपकी कैटेगरी में अच्छे मार्क्स लाएंगे या जनरल कैटेगरी के बराबर मार्क्स लाएंगे तो वो जो है अनरिजर्व कैटेगरी में सिलेक्ट होंगे, जिससे आपकी सीट खाली होगी, उसका फायदा जो है आपको मिलेगा और इस कारण जो आप जो कट ऑफ है दोस्तों वो कम होंगे। लेकिन ये कट ऑफ दोस्तों SC और OBC EWS में ही मुझे लग रहा है कम होंगे, ST कैटेगरी में शायद ही दोस्तों कम हो, मुश्किल से कम होगा तो 1 क्वेश्चन कम हो सकता है। लेकिन अदर कैटेगरी में दोस्तों 2 क्वेश्चन जो है कट ऑफ कम होने की संभावना, यानी कि 4 मार्क्स। तो ठीक है फ्रेंड्स, आपके कितने क्या मार्क्स थे, आपका क्या कहना है, कितने कट ऑफ रह सकते हैं, आप भी अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हो। धन्यवाद।